थोड़ा सा हर कोई अपने जीवन पे गौर करे। जीना कितना है? 80 वर्ष, ये तो फिक्स है, सबको मालूम है। फिर जाना है, कुछ लेके नहीं जाना है, इतना ज्ञान तो सबको है। उसके बावजूद जो हम काम कर रहे हैं उससे कहीं ऐसा लगता है कि हमको जाना है? किसी का भी मैं काम देखता, उसके विचार देखता, मुझे ऐसा लगता कि भगवान ने इसको स्पेशल परमिट से भेजा होना चाहिए। 20-30 हजार साल तक इसका कुछ नहीं होना है, क्योंकि ऐसे ऐसे काम में लगता। और फिर कहता बड़ा कर्म है, बड़े कर्तव्य है। अच्छा, सूर्य उगा रहा है, क्या कर्तव्य है तुम्हारा? तो कर्मों में यथा योग्य चेष्टा। आपका जीवन 80 वर्ष है, 20-25 सोने में गए, 10-15 शिक्षा में गए, और बाकी तो आप सब जानते कहां कहां कौन कौन ले जाता। तो थोड़ा उसको कॉम्पेट करो। आपको 80 वर्ष जीना है, ऐसी प्लानिंग करो, ऐसी जगह मेहनत करो जो आपको 80 वर्ष में काम आए। लेकिन वो नहीं सिखाते, उल्टी जगह एनर्जी लगवाते, उल्टी जगह दौड़ाते, उल्टी जगह पैसा लगवा देते। हमारा पैसा चला जाता, फिर हम कहते महाराज सुख नहीं आया। तो महाराज बोले कोई बात नहीं, एक और व्यवस्था पहले से करी हमारे पूर्वजों ने, यहां नहीं मिला तो वहां मिलेगा, यहां तो ले जाते। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि वहां का देखा किसने? वहां की मैं गारंटी लेता, सब खिलाओ, मैं गारंटी लेता हर एक की, वहां सबको खूब मिलने वाला है, छोड़ दो अभी। तो यही कर रहे हैं हम। तो कर्मों में यथा योग्य चेष्टा कि आपको 80 साल जीना है, क्यों एनर्जी लगाएं? काम वो करें जिससे 80 साल मस्ती में निपटे। तो हम यथा योग्य चेष्टा कहानी लगाते, इस बात को बड़े अच्छे समझ लेना। सबसे पहली बात है, जब हम एनर्जी वेस्ट करते, तो मैंने आपको स्पष्ट कहा कि आपको नकारात्मक भाव पकड़ते, चिंता, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, सहानुभूति, दया, आइदर साइड, जिसको आप पॉजिटिव मानते वो भी नेगेटिव भाव है, और जिसको नेगेटिव मानते वो तो नेगेटिव है ही। ईर्ष्या, ये सब कब पकड़ता? जब आप में लैक ऑफ एनर्जी है। और लैक ऑफ एनर्जी क्यों है? क्योंकि कर्मों में यथा योग्य चेष्टा नहीं है। अब कर्मों में यथा योग्य चेष्टा नहीं है, एनर्जी है नहीं, तो नकारात्मक भाव पकड़ते। नकारात्मक भाव पकड़ते जीवन बर्बाद हो जाता। आप देखना, कभी टेंशन में हो, अपनी साइन तक ठीक से नहीं कर पाओगे, कविता लिखना और बड़े बड़े काम और अंबानी बनना, अबे छोड़, टेंशन में ना सब खत्म, कुछ नहीं कर सकता उस समय आदमी, जरा सोचना, ईर्ष्या पकड़ लेती, फिर कुछ नहीं हो पाता जब तक वो ईर्ष्या निकल ना जाए। आप तो गए काम से, लैक ऑफ एनर्जी, कुछ नहीं कर सकते पॉजिटिव, एक पत्ता नहीं हिला सकते, और कमाल करते, कई बार तो गुस्सा अपने पे निकालते, खाना ही नहीं है तो मत खा, पागल भूखे तू मर रहा है। कैसा कैसा गुस्सा आता हमको, सोचना कभी, अपना ही सामान तोड़फोड़ देंगे, कुछ नहीं चाहिए, फिर शाम को रोते हैं, सब तोड़फोड़ दिया यार। कुछ नहीं चलता, अगर बस नहीं चलता तो उठा के मोबाइल फेंक देंगे अपने, भट 15-20 मिनट में होश में आ जाते, फिर ढूंढते मोबाइल को, फिर जाते दुकान पर ठीक करो, क्या कर रहे हैं हम लोग। तो जब भी नेगेटिव भाव पकड़ता तो उसमें हाईएस्ट ऊर्जा जाती, हाथों हाथ आप लैक ऑफ एनर्जी में हो जाते। वैसे ही अनावश्यक सोचते, बात न बिगत, सोचने की जरूरत नहीं, अमेरिका में कौन जीतेगा, ओबामा रिश्तेदार है क्या, बेमतलब सोचते, कहां कहां सोचते। और आजकल के बच्चे तो कमाल होते, वो जीवन में कुछ कर ही नहीं पाएंगे, ये पक्की बात, क्योंकि कहां कहां दौड़ते, उनका कोई मालिक ही नहीं है, किन किन बातों की जानकारी रखते, कमाल है। इतना नहीं समझते, आपकी बुद्धि हमारे टॉप पे है। अगर आप ज्यादा सोचते हैं, बगैर कारण के सोचते हैं, तो पूरी जीवन ऊर्जा आप ऊपर की तरफ खींचते हैं। कोई भी चीज को ऊपर की तरफ खींचने के लिए ऊर्जा चाहिए। कितनी ऊर्जा बिगाड़ते हम जब दिमाग चलता है, कभी कोशिश करना, सोचना, देखना। अनावश्यक ज्ञान ले आते, जरूरत नहीं है, काम नहीं अटक रहा है,
लेकिन जानना जरूरी है, बस सब चीज जानना जरूरी है। आपका काम अटक रहा है, आपके जीवन का ध्येय है आपको रास्ते मारा है कि नहीं, जानना जरूरी है, ऊर्जा जाती है आपकी। तो कृष्ण कह रहे हैं कि कर्मों में अथा योग्य चेष्टा। मैं भी आपसे यही कह रहा हूं, 80 साल जीना है, अगर हम 2 मिनट के लिए भी कोई काम करें तो ऐसा करें कि उस 80 साल में उसके फ्रूट्स मिले। हम जो भी काम करते हैं उसके फ्रूट्स के तो पता ही नहीं हमारे पास, हम काम करे चले जा रहे हैं, काम करे चले जा रहे हैं। मैं समय हूँ, पढ़िए बेस्ट सेलर्स मैं मन हूँ मैं कृष्ण हूँ के लेखक दीप त्रिवेदी की नई किताब मैं समय हूँ। ये किताब हिंदी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स तथा ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है। मनुष्य जाति के इतिहास की सबसे अद्भुत किताब दीप त्रिवेदी द्वारा 6 भागों में लिखित कृष्ण की संपूर्ण आत्मकथा मैं कृष्ण हूँ की 6 बुक की ये कम्प्लीट सेट हिंदी और गुजराती में सभी प्रमुख बुक स्टोर्स और ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है।